Hey guys, आज हम साइंस क्लास 7th लेसन 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन जो न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है फ्रॉम द पेरेंट्स, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन. अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ व्हाट आर वेजिटेटिव पार्ट्स? कुछ प्लांट्स जिनके इस पास होती है रूट्स, स्टेम और लीफ, इन्हें कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. आफ्टर सम पीरियड ऑफ ग्रोथ ये फ्लावर्स भी ग्रो करने लग जाते हैं. नाउ कुछ फ्लावर्स परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स. देयर आर सेवरल वेज प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स, मींस न्यू इंडिविजुअल्स. सो ये टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं इनकी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now, what is asexual reproduction? Asexual reproduction, new plants grow करती है without producing of seeds. Now, asexual reproduction में आता है vegetative part. ये एक type of asexual reproduction में है जो produce करता है new plants from root, stem, leaf और bud से. Since ये vegetative part of plant है तो इसे vegetative propagation कहते हैं. Now, buds. अब buds एक vegetative buds हैं. So ये buds consist करते हैं short stem around them जो immature overlapping leaves present होती हैं. Vegetative buds can grow and rise to a new plant. जैसे कि for example, potato, turmeric and ginger ग्रो करते हैं फ्रॉम बड से. इन एक्टिविटी 12.1 यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू ग्रो फ्रॉम बडिंग. नाउ ब्रायोफाइला प्लांट है जो जिसके बड्स होते हैं मार्जिन ऑफ द लीव्स में. एज यू कैन सी इन 12.14 फिगर लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, ये जब गिर जाता है सॉइल में तो ये न्यू प्लांट्स ग्रो करता है. नाउ The new plants are exact copies of the parent plant. Now, what is budding? Remember, yeast hoti ek single celled organism. So, ab hum reproduction in yeast dekhenge by budding. Now, ek small bulb-like projection jo aa raha hai figure 12.5 se bahar nikal raha hai, isse kehte hai ek bud. Ye bud fir धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अलग सा एक अपना सेल फॉर्म कर लेता है और फिर ये यीस्ट सेल भी ग्रो होता है और इन दिस प्रोसेस में ये बहुत सारे सेल फॉर्म्स करके शॉर्ट पीरियड में बहुत प्रोड्यूस कर देता है. नाउ फ्रैगमेंटेशन. हमने देखा है एगले जो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में होता है. सो वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं एगले में जो ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन. ये एगले ब्रेक होता है टू और मोर फ्रैगमेंट्स में. अब ये फ्रैगमेंट्स और एक पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स एज यू कैन सी इन 12.6 फिगर. सो नाउ स्पोर फॉर्मेशन. ये जो स्पोर ये रिलीज और की फ्लोटिंग इन एयर एज ये बहुत लाइट होते हैं और ये कवर कर जाते हैं बहुत सारा डिस्टेंस. सो ये स्पोर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी है. ये ईच स्पोर एक कवर करता है एक हार्ड प्रोटेक्टिंग कोट क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी में वो सर्वाइव कर जाए लॉन्ग पीरियड के लिए. फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर जर्मिनेट होता है और डेवलप कर देता है इन न्यू इंडिविजुअल्स. अब ये प्लांट जैसे कि मॉस या फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ स्टैमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. फ्लावर्स जो कंटेन करते हैं आइदर पिस्टल और ओनली स्टैमेंस, इन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. प्लीज़ आप इन्हें नोट करते रहिए क्योंकि ये आपको एग्जाम में एज इन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं.
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कंटेन करते हैं दोनों स्टैमेन और पिस्टल को। कॉर्न पपाया एंड क्यूक्यूम्बर आर यूनिसेक्सुअल, ग्रो इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे कि मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। नाउ एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, और पिस्टल कंटेन करता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को। ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स इनसाइड इट। अब ये फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड एन ओव्यूल। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। नाउ दिस इज द फिगर ऑफ पिस्टल। नाउ लेट्स कम टू पॉलिनेशन। जैसे कि पोलन ग्रेन्स होते हैं लाइट और ये कैरी कर जाता है बाय विंड, वाटर। सो ये जो इंसेक्ट्स जो विजिट करते हैं फ्लावर्स को, वो अपने बॉडीज पे पोलन ले लेते हैं। सो जब वो कोई दूसरे पोलन पे लैंड होते हैं ऑफ सेम काइंड, तो वो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, इसको कहते हैं पोलिनेशन। अगर ये पोलन लैंड हो जाता है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। या फिर पोलन लैंड हो जाता है ऑन अ फ्लावर, ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर या फिर कोई डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इज कॉल्ड एज क्रॉस पोलिनेशन। वी कैन सी इन फिगर 12.10 सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन। नाउ फर्टिलाइजेशन। ये सेल जो रिजल्ट करती है आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसे कहते हैं जाइगोट। नाउ ये प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये जाइगोट डेवलप कर जाता है एक एम्ब्रियो में। द फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट और अदर प्लांट्स फॉल ऑफ, अदर फ्लावर ऑफ फॉल ऑफ। नाउ फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। ये सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स। ये सीड कंटेन करते हैं एम्ब्रियो विच इज एनक्लोज्ड फ्रॉम द प्रोटेक्टिव सीड कोट। नाउ सीड डिस्पर्सल। अब हम प्लांट्स देखते होंगे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि सीड आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि अगर आप कोई फील्ड, पार्क में वॉक करते हैं, तो आपको दिखता है ये स्टिक होते हैं आपके क्लोथ्स में। अब ये सीड डिस्पर्सल के बेनिफिट्स हैं और ये क्यों, तो हम देखते हैं अभी। अब ये अगर सीड डिस्पर्सल नहीं होगा तो ये कर देगा कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल और स्पेस के लिए। एज अ रिजल्ट प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगा। अब बेनिफिट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल इज इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन प्लांट्स और सीडलिंग्स गेट सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। इट ये अनेबल करता है इनवेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। अब सीड्स एंड फ्रूट ऑफ प्लांट्स आर कैरीड बाई विंड, वाटर एंड एनिमल्स। अब कुछ विंग सीड्स जैसे कि ड्रमस्टिक और मेपल, लाइट सीड्स जैसे ग्रास, हेरी सीड्स ऑफ आर्क एंड हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर। अब कुछ सीड डिस्पर्स होते हैं बाय वाटर। अब इनके पास एक एबिलिटी होती है, फ्लोटिंग एबिलिटी, क्योंकि इनका आउटर कोट होता है फॉर्म और स्पॉन्जी और फाइब्रस कोटिंग जैसे एक कोकोनट में होती है। अब कुछ सीड डिस्पर्स होते हैं बाय एनिमल, स्पेशली स्पाइनी, क्योंकि वो हुक से अटैच हो जाते हैं एनिमल्स की बॉडी पे और अलग अलग जगहों पे फैल जाते हैं। कुछ सीड डिस्पर्स होते हैं बाय फ्रूट बस्ट या सडन जर्क्स। अब ये स्कैटर्ड हो जाते हैं फ्रॉम अवे प्लेस फ्रॉम द पैरेंट प्लांट्स। दिस हैपन्स इन केस ऑफ कास्टर एंड बल्सम। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। इन प्लांट्स देर आर टू मोड्स, सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल। सेक्शुअल हैव फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेक्शुअल इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हैव वेजिटेटिव पार्ट लाइक लीव, स्टेम, रूट्स एंड बड। अ फ्लावर रिप्रोड्यूस
flower is a reproductive part of plant. Now, flower may be unisexual with either male or female reproductive part. A bisexual flowers have both male and female reproductive part. The male gametes are found inside the pollen grains and female gametes are found in ovules. Pollination is a process of transfer of pollen grains from anther to one flower, of stigma to another flower. Pollination have two types, self-pollination and cross-pollination. Pollination takes place in plants which helps of wind, water and insects. The fusion of male and female gametes is called fertilization. Fertilized egg is called zygote and zygote develops into an embryo. Fruit is mature ovary, whereas ovule develops into a seed which contains developing embryo. Seed dispersed is by wind, water and animals. Seed dispersed helps to prevent overcrowding, avoid competition for sunlight, water and minerals. So in this way we have completed the chapter. Some exercises like production of new individual from vegetative part of parent is called vegetative propagation. So if you have any doubt, let me know in the comment section. Please like to this video, subscribe and share with your family. Have a nice day. Stay safe and bye bye.